हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज का जो वीडियो है वो है अमेज़न किचन यूटिलिटी प्रोडक्ट्स का हॉल। सारे प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मे बी आपके कुछ यूज के हो तो आप मंगा सकते हैं। काफी बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, मतलब काफी कोई हाई रेंज के प्रोडक्ट नहीं है, सब नॉर्मली रेंज के प्रोडक्ट भी। जो रोज काम आने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने मंगाए हैं। तो वीडियो शुरू करती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो प्लीज़ अगर आप देखते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आती है मेरी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और वीडियो अभी पसंद आए तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा जो पहला प्रोडक्ट है, मेरा फर्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये बोरोसिल की कैटल। इसे ओपन करते हैं। ये पूरी ग्लास की है, देख सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि हम इसे गैस में भी डायरेक्ट रख सकते हैं। ये देखिए, इसमें बना ही है, गैस में डायरेक्ट रख सकते हैं, ब्लैक टी बना सकते हैं, या कुछ बॉइल करना हो मिल्क एंड ऑल तो वो हम बॉइल कर सकते हैं। माइक्रोवेव सेफ भी है ये। ये इस बॉक्स में आई है, कुछ इसमें वारंटी कार्ड्स भी दिए हैं। वी हैव टू फिल दैट वारंटी फॉर्म और हमें उन्हें वहाँ पे कुछ मेंशन एड्रेस है वहाँ पे भेजना पड़ेगा, तो इसकी वारंटी कुछ एक्सटेंड हो जाती है। बट ये इतना कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं है कि हमें कुछ ऐसा वारंटी की ज़रूरत हो इसमें। ये देखिए, इसमें काफ़ी सारे साइजेस अवेलेबल हैं। ये सारे साइजेस इसमें अवेलेबल हैं, ये 5 साइजेस अवेलेबल हैं। ये सबसे छोटा जो साइज है इसमें 0.35 लीटर से लेके 1.5 लीटर तक का है। मैंने जो मंगाया है ये वाला मंगाया है, डेट इज 1.2 लीटर। इसे हम फ्रीज भी कर सकते हैं, माइक्रोवेव में भी रख सकते हैं, एंड ये फूड सेफ भी है। इसमें देखिए, इसमें स्ट्रेनर भी दिया गया है, अगर आप कुछ टी वगैरह बनाते हैं तो इससे स्ट्रेन कर सकते हैं। काफ़ी स्टर्डी लगा मुझे ये, काफ़ी अच्छा लगा। अभी तक मैंने यूज़ तो नहीं किया है, बट हाँ यूज़ करूँगी तो मैं आपको ज़रूर इसका आफ्टर यूज़ भी रिव्यू दूंगी। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि हम इसे गैस में डायरेक्ट रख सकते हैं। इसमें जो प्राइस मेंशन है वो है 745, लेकिन मुझे कितने में मिला है वो मैं आपको बता देती हूँ। मेरा जो सेकेंड प्रोडक्ट है वो है ये, ये एक प्लेटर काइंड ऑफ है, ये क्ले क्राफ्ट ब्रांड का है। ये सिरेमिक कप प्लेटर है, इसके साथ ये एक छोटी सी कटोरी टाइप की आई है, इस तरीके से ऐसा है। ये सिरेमिक कप प्लेटर है पूरा, साइज इसका काफी अच्छा है, काफी हैवी भी है। तो हम इसे कुछ भी पनीर टिक्का और विद सॉस के साथ कुछ सर्व करना हो, फ्रेंच फ्राइज वगैरह, तो हम इसमें ये सर्व कर सकते हैं। मेरा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये टिफिन। ये मैंने कुछ ऑफिस यूज के लिए मंगाया था, ये नेक्स्ट ब्रांड का है। इसमें ये जिप दी गई है, इस काइंड का बैग है इसमें, ये बेल्ट है, जिप की ओपनिंग है इसकी। ओपन करते हैं तो फिर हमें इसके साथ इसमें एक ये बॉटल मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी समझ में आ रही है मुझे। मटेरियल इसका काफ़ी अच्छा है, ये देखिए, ये एक बॉटल है इसके साथ। इसमें एक बॉटल आई है, देन एक स्पून है जो कि कुछ ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं समझ में आ रही। ये दो टिफिन्स हैं, ऊपर से ये प्लास्टिक है बट हम इसे ओपन करते हैं तो ये स्टील रहता है इसमें। ऐसे वाले दो टिफिन आए हैं, ये दो हैं जो कि सेम साइज के हैं। फिर उसके बाद ये एक टिफिन है जिसमें हम रोटी वगैरह रख सकते हैं, कुछ ब्रेड या कुछ रख सकते हैं। ये पूरा प्लास्टिक का है, इसका अंदर भी पूरा प्लास्टिक ही है, मीन्स ये पूरे बैग में ये एक टिफिन एंड दीज टू बॉक्सेस और एक ये बॉटल और एक स्पून है स्टील की, ये ऐसा आया है इस पूरा पैक में। ये भी कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, इसकी भी मैं प्राइस आपको बता दूंगी। इस बैग में आया है ये। मेरा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये जार्स है, स्मॉल जार्स है, लाइक मसाले वगैरह रखने के लिए। ग्लास के हैं ये,
ऐसी ओपनिंग है इसकी। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके ड्रॉअर में कुछ हाइट आपके ड्रॉअर की कम है तो इसमें ये देखिए यहाँ पे ये फ्लैट सरफेस दिया है, तो आप इसे ऐसा भी रख सकते हैं ड्रॉअर में, आप ऐसा भी रख सकते हैं और फिर ऐसा भी रख सकते हैं अपने ड्रॉअर में। ये क्लाउड मार्ट के जार्स है, इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगी और मुझे किस प्राइस में मिले वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये काफ़ी अच्छे लगे मुझे, सेट ऑफ फोर आते हैं, ये दो मैंने ओपन करे हैं और ये दो पैक हैं अभी। मैंने टोटल 8 पीसेस मंगाए हैं, मीन सेट ऑफ 2 मंगाए हैं मैंने, एक सेट में 4 पीसेस रहते हैं। ये काफ़ी अच्छे लगे, इसका ग्लास की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, जो इसमें कैप दी है वो भी काफ़ी अच्छी है। ओवरऑल मुझे ये अच्छे लगे, मसाले वगैरह के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने कुछ स्पून्स मंगाई थी, ये छोटी छोटी स्पून्स है, मसाले के डब्बों में हम डाल सकते हैं, जो हमारे पास छोटे जार्स रहते हैं उसमें बड़ी स्पून नहीं आ पाती, तो हम ये छोटी स्पून्स डाल सकते हैं। ये देखिए ये स्पून सेट ऑफ 12 में आई थी, इसकी भी मुझे क्या प्राइस में मिला है मैं आपको बता दूंगी। इसकी क्वालिटी भी स्पून की अच्छी है, बिल्कुल छोटी सी स्पून है, किसी भी जार में ये आ जाएगी। स्टेनलेस स्टील की है, ये सेट ऑफ 12 मिले था ये मुझे। ये शेप्स ब्रांड का है, प्रिंट रेट इसमें 295 लिखा है, मसाला स्पून 12 नंबर्स है, मींस ये 12 स्पून्स आई थी। बढ़ते हैं जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये फ्रिज के लिए है, ये 3 का सेट आया था, देखिए ये 3 का सेट है, स्पेस काफ़ी सेव होती है इससे फ्रिज की, जो छोटे छोटे हमारे मसाला होते हैं या फिर सॉसेस की जो छोटी बॉटलें होती हैं लाइक चिली सॉस एंड सोया सॉस की बॉटल हम इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और किसी भी फ्रिज के शेल्फ में हम इसे साइड में कॉर्नर में ऐसे रख सकते हैं। प्लास्टिक इसका काफ़ी अच्छा है, कोई चीप प्लास्टिक नहीं समझ में आ रहा है, काफ़ी अच्छा है ये प्लास्टिक। और मेरा जो लास्ट प्रोडक्ट है वो अगेन ये बास्केट है, ये भी स्टोरेज के लिए काफ़ी अच्छी बास्केट है, नायासा की है ये बास्केट। इसमें यहाँ पे पीछे देखिए हैंडल दिया गया है, ऐसे काफ़ी लॉन्ग शेप में बास्केट है। इसमें भी हम बाथरूम में या फिर किचन में काफ़ी कुछ बॉटल्स वगैरह जो फिनाइल एंड ऑल क्लीनर की बॉटल होती हैं वो सब हम इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये इस काइंड का बास्केट है, काफ़ी हल्की है और प्लास्टिक इसका अच्छा है, नायासा ब्रांड की है। इसमें यहाँ पीछे एक हैंडल भी दिया गया है कैरी करने के लिए, या फिर कहीं पे हमने रख दिया है तो इसको पकड़ के हम निकाल सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा आइटम है। तो ये था छोटा सा हॉल जो मैंने किचन के प्रोडक्ट्स मंगाए हैं, मैंने आपके साथ शेयर किए। तो सारे लिंक सारे प्रोडक्ट्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज यूजुअल दे दूंगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।